सोलन नगर निगम कार्यालय में आज पार्किंग की नीलामी रखी गई थी। अभी पार्किंग की बोली के लिए औपचारिकताएं पूरी ही की जा रही थी कि बोलीदाताओं और नगर निगम के कमिश्नर के बीच पार्किंग की समस्याओं को लेकर बहस शुरू हो गई। बोलीदाताओं को नगर निगम कमीशन LR वर्मा का रवैया पसंद नहीं आया और इसलिए सभी बोलीदाताओं बोली को बीच में छोड़कर ही कार्यालय से बाहर आ गए और ऑप्शन का बहिष्कार कर दिया। अब ये नीलामी नगर निगम की बैठक के बाद आयोजित की जाएगी। कमिश्नर ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी कभी भी आम जनता से बदसलूकी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ बोली ही आयोजित की जानी थी और कोई सुझाव आमंत्रित नहीं किए थे, लेकिन शायद कुछ नए बोलीदाता आए थे, उन्हें नियमों के बारे में जानकारी नहीं होगी। आज म्युनिसिपल की जितनी भी पार्किंग्स है, लगभग 11 पार्किंग्स की ऑक्शन रखी गई थी। इसमें 32 लोग पार्टिसिपेट करने भी आए, लेकिन इससे पहले की प्रक्रिया शुरू हो पाती ऐसा प्रतीत हुआ कि आज कोई भी व्यक्ति बोली देने के पक्ष में नहीं था और बिना बोली दिए कार्यक्रम समाप्त करके वो यहाँ से चले गए। ये एक प्रक्रिया है और मैटर अब दोबारा से हाउस के सामने जाएगा। जिस तरह से हाउस डिसाइड करेगा उस तरह से अगली डेट दी जाएगी। और जो मेरे पास आए हैं लगभग सभी नए लोग हैं, तो पुरानी व्यवस्थाओं के बारे में तो उन्हें मैं नहीं समझता कि उनको कोई डिस्कस करने का मुद्दा था या उनको करना चाहिए था इस बारे में। जो भी रीज़न रहे हों, बोली के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि दुर्व्यवहार सरकारी नौकरी में रहकर करना बहुत बुरी बात है और मुझसे दुर्व्यवहार हो जाए तो ये थोड़ा सा अपने आप को भी दिक्कत लगती है सुनने में कि ऐसा नहीं कहना चाहिए थे उनको, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, ऑफिस के साथ कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो भी तब जब मीडिया भी सामने हो, तो इसके तो बढ़िया गवाह आप लोग ही हैं। वहीं बोलीदाताओं ने बताया कि कोविड काल में वे अपने खून पसीने की कमाई लगाकर बोली देने के लिए आए थे, जिसको लेकर सभी बोलीदाताओं ने अपनी बात कमिश्नर के सामने रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सुनने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया और उनका व्यवहार उपस्थित बोलीदाताओं के प्रति ठीक भी नहीं था, जिससे सभी बोलीदाता बेहद आहत हुए हैं। बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है, पानी पिलाने तक के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है। मीडिया को बाहर जाने और मीडिया को बोलते हैं कि भाई यहाँ से कोई लाइव नहीं होगा और यहाँ पर कोई लाइव नहीं करेगा। भी ये क्या तरीका, और अंदर हमारे को ये डराया धमकाया गया कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ सुझाव सुनने नहीं बैठा हूँ, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा और लेनी है लो ऑप्शन, बोले लेनी है लो ऑप्शन, नहीं लेनी तो यहाँ से बाहर जाओ। ये क्या तरीका है, ये हम लोग इनको टैक्स देते हैं, हमारी चीजें गुंडा करती है। ये कमिश्नर है, हम मान गए कमिश्नर है, बहुत माननीय पद है इनके पास, पर अगर ये हम आम जनता और हम ठेकेदारों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो कौन इनके पास आएगा। कहते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट वाले बहुत हैं, उनको दे देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे, जब ऑक्शन होगा देख जिस मर्जी को दे, बोले हम डिपार्टमेंट वालों को देके दिखा देंगे। और इतने बुरी तरीके से हमारे साथ बात करी गई, हमारे को ऐसे करा गया अंदर ट्रीट, जैसे कि हम पता नहीं इनसे पैसे उधार मांगने आए। आपके बड़ा कम से कम अपना सुझाव तो दे सकते हैं हम इनको, ये बात बोल रहे हैं कि हम आपके सुझाव के लिए नहीं बैठे हुए, जो हम बोलेंगे वही करेंगे, ये गलत बात है। देखो जी, पार्किंग में कोई सुविधा नहीं है, किसी पार्किंग में लाइट नहीं है, कोई ढंग के आपने बंदों के लिए नहीं बनाए हुए वहाँ बैठने के लिए, और ये बात गलत बात है जो ये बात बोल रहे हैं कि हम आपके सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। किसी भी पार्किंग में कोई शौचालय नहीं है, कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है, ये गलत बात है इनकी। हमारे पास कोटनाड़ा वाले पार्किंग है, इससे पहले इनको हमने रिटर्न दी हुई है कंप्लेंट है सारी, जो कोई एक्शन नहीं हुआ है, एक बार नहीं दो दो बार हमने दी हुई है यही पार्किंग सुझाव। कल को अगर कोरोना आ जाता ये तो सबको डिफॉल्टर कर देंगे यहाँ, कि भी हमने तो पहले ये बात बोली थी, कैसे होएगा ये। कम से कम आप लोगों की बात तो सुनो, अगर कोई बात बोल रहा है ये बात बोल रहे हैं कि हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठे, हम अपनी बात बताने के लिए बैठे हैं, गलत बात है। हमने लाख लाख रुपए जमा कराए हुए हैं, हम बेवकूफ है जो यहाँ आए हुए हैं। पर भी एक जगह ये मेंशन नहीं है कि लॉकडाउन
लग जाता है या कुछ होता है, और आपको पता है कि आजकल 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद और सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, आवाजाही खत्म हो जाती है। अब आप बताइए एक ठेकेदार कैसे करेगा, और ऊपर से हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हम लेंगे, करेंगे, काम करेंगे। आज आप देख ही रहे आम जनता के कितने बुरे हाल है, हर एक गरीब वर्ग का आदमी और एक मध्यम वर्गीय आदमी कितनी बुरी तरीके से पिसा जा रहा है इस लॉकडाउन में। और उसके बाद ये सब कुछ छोड़ के भी हम अपनी सेविंग्स, लाख लाख रुपए की सेविंग्स इनको जमा करा के, सिक्योरिटी जमा करा के हम इनके पास टेंडर लेने आते हैं और ये हमारे साथ यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। अगर 2 तारीख से लॉकडाउन लग जाता है ये, तो हमारे जो लाख लाख रुपए सिक्योरिटी इन्होंने जमा कर ली हमारे को, तो वो भी छूटा गया। इस पर्ची में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कल को अगर लॉकडाउन हो जाता है फिर हम आपके साथ हैं।